में इतिहास रच दिया। 5100 किलो का महाप्रसाद एक कढ़ाई में बनाकर और उसको वितरित करके देखिए शिवरात का नजारा और एशिया बुक का रिकॉर्ड बनते हुए हमारी इस रिपोर्ट में। शिव बारात आयोजन जन कल्याण समिति ने 5100 किलो का खिचड़ी का प्रसाद बनाकर और उसको बांटकर एशिया बुक में नाम दर्ज कराया। आज सुबह से ही पूरे देश सहित रीवा के सभी शिवालय में भक्तजनों का मेला सा लगा रहा। महामृत्युंजय मंदिर से लेकर शहर के जितने भी मंदिर शिव जी के थे वहां पर भक्तों की लाइन सुबह से ही लगी रही। आज रीवा शहर का मुख्य आकर्षण रीवा शहर में निकलने वाली शिव बारात रही। हजारों की तादाद में भक्त जिस तरीके से नाचते गाते शिव बारात में चल रहे थे, शिव की भक्ति में डूबे नजर आ रहे थे, उसको देखकर लग रहा था मानो पूरा शहर आज शिवमय हो गया है। वहीं शिव बारात आयोजन जन कल्याण समिति ने रीवा का नाम एशिया बुक में दर्ज करा दिया, जिसके लिए उसने काफ़ी पहले से ही तैयारी कर रखी थी। एक बड़े कड़ा का इंतजाम किया, उस पर 5100 किलो का महाप्रसाद बनाया और भक्तजनों में वितरित कर दिया। यह सब देखने के लिए एशिया बुक की टीम भी मौजूद थी। हमने शिव बारात के आयोजक मनीष गुप्ता और एशिया बुक के ऑब्जर्वर डॉक्टर AK जैन से बात की। हम आपको दिखाएंगे रीवा में आज शिव भक्ति का नज़ारा, साथ ही बात कराएंगे आयोजक मनीष गुप्ता और डॉक्टर AK जैन से। क्या नाम है और किस तरह का यहाँ कार्य किया जा रहा है? पहले तो महाशिवरात्रि के रीवावासियों को सबसे देवो देव महादेव के जय हो। हम सब यहाँ शिव बारात आयोजन जन कल्याण समिति द्वारा एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए 5100 किलो खिचड़ी का अनुष्ठान किया है। हम लोगों ने निर्माण किया है, जो लास्ट ब्रेक 2018 में हुआ था वो 3000 किलो तक था। मनीष भैया और हमारी समिति ने ये सोचा कि जब 40-35 करने से अच्छा है कि हम 5100 किलो करेंगे, तो यहाँ पर एक जो राष्ट्रीय अन्न के लिए भी हम लोग चाहते हैं खिचड़ी को राष्ट्रीय अन्न घोषित किया जाए, वो हम लोगों ने 5100 किलो यहाँ पर बनाई है। हमारे शिव कल्याण और जन कल्याण समिति द्वारा ये बनाई गई है और इसमें हमारी पूरी टीम का सहयोग रहा है। बनाने में इसको 4 घंटे का समय लगा है और ये जो कढ़ाई है ये अपने कानपुर और आगरा द्वारा बनवाई गई है। इसका वजन 1100 किलो है और इसमें जो खिचड़ी अपन ने तैयार करवाई है वो 5100 किलो है। कौन कौन से बुक वाले हैं? जैसे ग्रीन बुक है। अभी यहाँ पर जो आए हैं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के प्रतिनिधि आए हुए हैं, बाकी लोगों से हमारी चर्चा हुई है, उन्होंने हमसे रिकॉर्डिंग मांगी गई। अरविंद गुप्ता, महाशिवरात्रि की पहले तो सबको बधाई हो पूरे रीवा वासियों के लिए। और ये महाप्रसाद का आयोजन हुआ था जो बन के कम्प्लीट हो गया, अभी भोलेनाथ को भोग लग गया है, इसके बाद सभी भक्तों को वितरण किया जाएगा। ये शिवरात्रि में यहाँ प्रसाद का वितरण किया गया है, आपने अभी देखा है जी, आपको समझ में आया? देखिए, यहाँ पर मैं डॉक्टर AK जैन एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड एज ए जज एजुकेटर के रूप में हूँ और यहाँ पर मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द खिचड़ी प्रिपरेशन और सर्व का एक रिकॉर्ड बना है। इस रिकॉर्ड को शिव भारत आयोजन एवं जन कल्याण समिति रीवा ने बनाया। ये रिकॉर्ड पहली बार बनाया गया। यहाँ पर 5100 किलो वेजिटेबल खिचड़ी बनाई गई है जिसको इंडिया एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और जितने भी एशिया के रिकॉर्ड्स हैं उन सब रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इस तरह का रिकॉर्ड पहली बार गया है। पिछला जो रिकॉर्ड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में था वो 3100 किलो मतलब किलो खिचड़ी का था। पहली बार ये रिकॉर्ड एक बहुत बड़े रिकॉर्ड के रूप में बना और जिसमें एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इस समिति ने अपना नाम दर्ज कराया। इस रिकॉर्ड को दर्ज कराने के लिए मैं इस समिति की पूरी टीम को अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर AK जैन एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। Yeah, please!
देवों के देव महादेव की। आज रीवा में दशहरा तो हमने देखा भी था और सुना भी था, आज भोले की बारात है और उसका ऐसा लग रहा है कि पूरा रीवा शिवमय हो चुका है, शिवमय हो चुका है। लोगों की उत्साह है, ये क्या आनंद पल है, भोले का भंडारा, भोले की बारात, भोले का जलसा, भोले का आनंद आनंदमय हो गया है। तो मुझे ये मुझे पागल कहो या दीवाना, यही है आनंद, कुछ नहीं जाना, यही भोले के साथ याद महादेव। मेरे रोम रोम में शिव बसा करते हैं, वही पिया करते हैं, जो भोले बाबा सबके ऊपर आशीर्वाद रखे, यही हमारे पिता।